अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी चैनल पे। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ बकाला, क्योंकि मुझे घर के लिए कुछ सामान खरीदना था। तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू कीजिए, तब तक मैं भी मेरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये कल सूट हुआ था, आज नहीं। समझ रहे हो ना, घुमा दिया। सब कुछ बंद क्यों लग रहा है? ईशा के बाद सब खुलेगा ना। अच्छा, अभी ईशा हुई है ना, तो थोड़ी देर में खुलेगा लगता है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन चाइनीज़ पकौड़ा, जो कि इंडिया में बहुत ही फेमस है। एक्चुअली स्टॉल में ये आपको वेज में मिलेगा, बट आज मैं इसके अंदर चिकन ऐड करके बनाऊंगी चिकन चाइनीज़ पकौड़ा। जो लोग वेजिटेरियन है वो चिकन वाला स्टेप स्किप कर सकते हो और वेज में बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बैटर, और बैटर में मैं क्या यूज़ करूँगी वो आपको वन बाय वन बताते जाऊँगी, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ पहले से रेडी करके रखी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम्स चिकन। आपको चिकन के छोटे छोटे पीस करके उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करके चिकन का पानी जला लेना है। और वेजिटेबल में मैं यूज़ करूँगी कैप्सिकम, कैबेज और स्प्रिंग ऑनियन। तो ये है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, ये है कॉर्न फ्लोर 4 टेबलस्पून, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, ऑल पर्पज़ फ्लोर मैदा 5 टेबलस्पून, बेसन 4 टेबलस्पून, रेड फूड कलर हाफ टेबल स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, ये है चिकन मसाला 1 टेबल स्पून, ये है चॉप की हुई ग्रीन चिली। अगर आपके पास ग्रीन चिली पेस्ट अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये है मेन इम्पॉर्टेंट सेजवान चटनी। यहाँ पे मैं चिंग्स की सेजवान चटनी यूज़ कर रही हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स में मेन इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना समझो चाइनीज़ पकौड़े का टेस्ट आधा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे वेजिटेबल ले रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्प्रिंग ऑनियन, कैप्सिकम, और ये हो गई हमारी सेजवान चटनी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेजवान चटनी यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। और अब मैं ऐड करूँगी चिकन। यहाँ पे आप चिकन को बिना कुक किए भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज़ चिकन जो है बहुत ही जल्दी गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो कभी कभी मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, तो मैं भी रॉ चिकन ऐड करती हूँ।
और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने में आपको ज़रा भी पानी का यूज़ नहीं करना है, आपको विदाउट वाटर ही इसे मिक्स करना है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे फ्रोजन करके स्टोरेज भी कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा बैटर जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये अब फ्राई होने के लिए रेडी है। अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये ना ही ज़्यादा ठीक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठीक होना चाहिए। और हाँ, अगर आप इसे स्टोरेज करते हो तो क्योंकि ये फ्रोज़न हो जाता है तो फ्रोज़न से बाहर आने के बाद ये थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी सही करने के लिए आप इसमें बेसन, मैदा या कॉर्नफ्लोर डाल के उसकी कंसिस्टेंसी सही कर सकते हो। तो इफ्तारी का वक्त हो चुका है और यहाँ पे मेरा ऑयल जो है वो भी हीट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्राई करना। आपको इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पे माशाल्लाह फ्राई होने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही इजी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे। तो ये थी मेरी आज की सिंपल और क्विक सी रेसिपी, आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। हाँ गाइस, तो मेरा काम तो हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। बाय द वे, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? लास्ट रेसिपी की तरह ये भी बहुत इजी, सिंपल एंड क्विक है, तो घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, आपकी प्यारी प्यारी कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। एंड यस, फील फ्री टू टैग अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज। इज़हान बाय गाइस, से बाय 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 गाइस।